कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के देखा, कोई है वहाँ पे अभी? तो यहाँ किस टाइम आई आप? फिर जाने में लेट हो गया, तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मार्निंग में चले जाना। वहाँ क्यों गई? पुलिस और यहाँ के पूंजीपत मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। पुलिस और यहाँ के पूंजीपत मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडे या अराजकता, खासकर बहु बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उसका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी उस पर, कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। जो भी दरिंदगी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन सके। समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उनके कॉलेज में और एक नाबालिग को नौकरी के नाम पर बुलाकर और उसके साथ रेप करने का प्रयास करना, आपत्तिजनक हालत में पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, यह बेहद निंदनीय है। नवाब सिंह यादव कन्नौज का वो नाम जिसको हर एक बच्चा जानता था। 2007 में उसने इस कॉलेज की नींव रखी थी, यहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम हुआ था और इस पूरे कार्यक्रम में पूरे इलाके के लोगों को बुलाया गया था और अखिलेश यादव बतौर सांसद यहाँ पर शामिल हुए थे। कल जब घटना हुई उसके बाद पुलिस जो है वो इसी रास्ते से अंदर आई और उसके बाद उसने नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, मैं हूं कुंदन जमैत। अयोध्या गैंगरेप कांड के बाद समाजवादी पार्टी अब कन्नौज मामले में घिरती नजर आ रही है। कन्नौज में नाबालिग से रेप के प्रयास मामले में पुलिस ने एक ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि नवाब सिंह यादव सपा मुखिया अखिलेश यादव का बेहद करीबी है और कई मंचों पर अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। बीजेपी का कहना है कि सपा के डीएनए में ही गुंडे बलात्कारियों को संरक्षण देना है। उधर सपा ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। सपा का कहना है कि 5 साल पहले, जी हां 5 साल पहले नवाब सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया था। सपा के दावे पर बीजेपी का कहना है कि अगर नवाब को पार्टी से निकाल दिया गया था तो फिर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नवाब सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच पर क्या कर रहा था। तो सवाल बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल हमारे साथ अनिला सिंह जी भी जुड़ रही हैं समाज बीजेपी के पक्ष रखने के लिए। समाजवादी पार्टी तरफ से तारिक अहमद लारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। सूची विश्वास हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज मिश्रा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और कन्नौज से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा से पहले हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये दो तस्वीरें देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर नवाब सिंह को आप बड़े मंचों पर देख सकते हैं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मंच पर भी नवाब यादव की तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आरोपी नवाब सिंह यादव सपा दफ्तर में मौजूद है और अखिलेश यादव डिंपल यादव भी साथ में हैं। और दूसरी तस्वीर लोकसभा चुनाव के दौरान की है, मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, पीछे नवाब सिंह भी मौजूद है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पल्ला झाड़ने की कोशिश जरूर की जा रही है आप समाजवादी पार्टी की तरफ से एक लेटर जारी करके कि नवाब सिंह यादव पार्टी का सदस्य नहीं है, 5 साल पहले उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो पार्टी दफ्तर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और डिंपल यादव के साथ उसकी तस्वीर कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। विशाल, अभी तक क्या अपडेट, चूंकि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है, एक तरफ से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नवाब सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी का नहीं अखिलेश यादव का करीबी है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही, क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि कल रात की एक पूरी घटना है, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर FIR जो है वो दर्ज हो गई है। नवाब सिंह यादव को बकायदा जो है कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसको न्यायिक जो रियासत है उसमें भेज दिया है। लेकिन इन सब के बीच में जो नवाब सिंह यादव की जो सपा से करीबियाँ हैं उसको लेकर लगातार जो पल्ला झाड़ा जा रहा था, उसमें दो तीन चीज़ें बहुत साफ आई हैं कि नवाब सिंह यादव को कन्नौज में मिनी CM कहा जाता था जब सपा सरकार थी, बहुत करीबी माना जाता था। यहाँ तक कि जो नवाब सिंह कॉलेज का, नवाब सिंह यादव का जो कॉलेज है उसका शिलान्यास खुद जो है अखिलेश यादव ने बतौर सांसद रहते हुए किया था। इसके साथ साथ उसकी जो करीबियां इस कदर है कि अभी सपा दफ्तर के बाहर जो बाउंड्री है, जो सपा दफ्तर की बाउंड्री है, वहां पर उसका पोस्टर लगा है बधाइयों का, अखिलेश यादव की फोटो के साथ साथ। इसके साथ साथ जो अभी हाल की जो तस्वीरें आई हैं जिसमें जो इंडिया गठबंधन की जो रैलियां हुई थी उसमें उसकी फोटो जो है मंच से आई है। लेकिन इन सबके बीच में एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि जो लड़की, जो नाबालिग यहां पर लाई गई थी, यहां पर इस वक्त जो जिला अस्पताल है वहां पर उसने अभी उसका फिलहाल मेडिकल नहीं हुआ है। अभी चूंकि कल रात की घटना है तो मेडिकल अभी यहां पर नहीं हुआ है, उसकी टीम ले जाके यहां पुलिस की टीम यहां से ले जा चुकी है। ऐसे में एक तमाम इसमें तथ्य हैं जो जांच का विषय है, FIR हो गई है इस पूरे मामले को लेकर, कई तरह के बयानों के आधार पर जो है अब जाँच भी होगी। लेकिन जो ये एक सियासी जो चर्चा चल रही है, क्योंकि नवाब सिंह यादव की जो दूरियां बताई जा रही हैं, उन दूरियों को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो लेटर आया है, जो तस्वीरें आई हैं, यहाँ तक कि जो अभी इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई थी चुनाव में उसकी तस्वीर, के साथ साथ जो नवाब सिंह यादव की माता का देहांत हुआ था उस वक्त जो लेटर सामने आया है, इसके साथ अभी सपा दफ्तर में जो उसका पोस्टर लगा है, तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल ये कह सकती हैं कि सपा से उसकी करीबियाँ रही हैं। अब चूंकि देखिए, ये मामला सपा से करीबी का नहीं है, ये मामला है लड़की के साथ जो लड़की ने, जो नाबालिग लड़की ने आरोप लगाए हैं उनमें क्या असलियत है, क्योंकि देखिए अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है। इसके साथ साथ उसने अभी अपना बयान नहीं दर्ज कराया, FIR जरूर हो गई है लेकिन अपना बयान जो है वो दर्ज नहीं कराया, तो ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल होना बहुत जरूरी है, इसके साथ बयान होना भी बहुत जरूरी है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी फिलहाल जांच होगी। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो नवाब सिंह यादव को लेकर भाजपा जो है ठीक है, कानूनी प्रक्रिया तो अयोध्या कांड के बाद चलता रहेगा, विशाल प्रक्रिया चलती रहेगी, और उसके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चुकी शुरू हो गया है, दरअसल तो उस पर चर्चा बेहद जरूरी है। तारिक अहमद जी, अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि भाई अभी भी सपा दफ्तर के बाहर कन्नौज में बधाइयों के पोस्टर लगाए गए हैं जीत को लेकर के, और उसमें नवाब सिंह दिखाई दे रहा है और बेहद करीबी बताया जा रहा है, मंचों पर दिखाई दे रहा है, पार्टी दफ्तर में दिखाई दे रहा है, कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं आप लोग? देखिए, एक बात समझिएगा, जो आप बात कह रहे हैं कि कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं, आपने पहले भी, सबसे पहले आपने ही कहा था कि अखिलेश जी का बयान आया कि उसको पहले पार्टी से निकाल दिया गया, बिल्कुल सही कह रहा था, उसको बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया। अब कोई इलेक्शन के दौरान आकर अगर अपना समर्थन देता है तो कोई बात नहीं, आइए, मोस्ट वेलकम, आप समर्थन दीजिए, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। हम लोग भी चुनाव लड़ते थे तो कईयों को पार्टी से किसी भी वजह से निकाला जाता था, तो वो आता था, समर्थन करता था, तो हम लोग कहते थे मोस्ट वेलकम, समर्थन करिए, वोट दिलवाइए, बात खत्म हो गई। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे वो मिनी CM कहता था, तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है क्योंकि मैं मिनी CM नाम के आदमी के तौर पर नवाब सिंह यादव का नाम तो मैंने नहीं सुना था। आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा क्योंकि आप लोग का मतलब जो, और मैं क्या नाम है, न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों ने ज्यादा सुना होगा क्योंकि आगे पीछे घूमने की आदत थी, तो कहां से कैसे काम निकाल सके और कहां से कैसे जुआ खेलकर वो पकड़े गए थे, जब कुछ पत्रकार तो वो कैसे बचना चाहते थे, हो सकता है उस चक्कर में उन्होंने राहुल गांधी मौजूद है, अखिलेश यादव मौजूद है, वहां पर ये व्यक्ति पहुंच जाता है समर्थन देने के लिए, पहुंचता है क्या मंच पर भी, क्या पार्टी दफ्तर में भी ये व्यक्ति समर्थन देने के लिए पहुंचता है और फोटो खिंचवाता है? हमारे पिताजी ने थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा प्लीज, हमारे पिताजी ने जब एक आदमी को पार्टी से निकाला था और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो चंद्रशेखर जी आए थे, जीपी सिंह जी आए थे मंच से प्रचार करने के लिए, तो वो भी हाथ जोड़ के आया था और आके मंच पर बैठा ना, पापा ने कहा बहुत वेलकम चलो, लेकिन दादा वो साथ में नहीं रहता था। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, उसके बाद जो क्या नाम है, पोस्टर भी लगा, उससे सरकार आके सब कुछ किया, तो पार्टी का मेंबर हो गया।
आप उससे पार्टी मेंबर की रसीद मांगिए। ठीक है, पार्टी मेंबर ठीक है, अनिला जी करीबी है, करीबी है, सपोर्ट दे रहा है, दिया इसने नवाब सिंह यादव ने जो आरोपी है रेप के प्रयास का, लेकिन पार्टी सदस्य नहीं है। अब भी क्या आप लोग डीएनए, जो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर आप लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई डीएनए ही लड़कियों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जाना जाता है, क्या अभी भी वही आरोप आप लोग लगाएंगी? अनिला जी, मेरी सबको राम राम। और कभी कभी बहुत दुख होता है क्योंकि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता बनाने वाले, उनको राजनीति का रास्ता दिखाने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे, एक महान व्यक्तित्व, सबके सबसे प्यारे न्यारे नेता चौधरी चरण सिंह जी की छाया में ये आगे बढ़े हैं। दत्तक पुत्र चौधरी चरण सिंह जी मुलायम सिंह यादव जी को कहते थे। फिर मुझे मालूम नहीं वो समाजवाद का एक थॉट प्रोसेस लेकर मुलायम सिंह यादव जी जो आगे बढ़े, उसके बाद ऐसा क्या हुआ भाई, लड़के हैं गलती हो जाती है। और जब उन्होंने बोला उसको गुरु मंत्र मानकर समाजवादी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने घोट घोट कर पी लिया। बड़ा दुख होता है मुझे, मुझे बहुत दुख होता है जब महिला अपराधीकरण की हम बात करते हैं, और अगर वो किसी राजनीतिक दल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो उसके पार्टी के कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके प्रवक्ता सब उसकी एडवोकेसी करने के लिए, वकालत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। महिला महिला है भाई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, बीएसपी का हो, टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, तमाशा बना के रखा हुआ है। कभी आप लोग मोइन खान की वकालत करेंगे, कभी नवाब सिंह यादव की वकालत करेंगे, हाँ उससे जितने फायदे उठाने हैं आप फायदे लेंगे, मंच पर उससे स्वागत भी करवाएंगे, बैनर पोस्टर भी लगवाएंगे। और जब आज आपसे पूछा जाता है साहब वो तो आपके बहुत निकट था, तो कहेंगे कि अरे वो क्या कभी रहा होगा, अब हमारे निकट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। जूही सिंह इनकी वरिष्ठ नेता, इनकी महिला मोर्चा की शायद अभी भी अध्यक्षा है, व्हाटसोएवर, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है, हाँ वो सबूत मांग रही है इस बच्ची से, वो पूरा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। डिंपल यादव जी आप तो स्वयं एक महिला हैं, गॉड हैज ट्रस्टेड यू विद डॉटर आल्सो, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। अखिलेश जी आप इतने पढ़े लिखे हैं, यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, आप एक यूथ आइकन है, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। मुझे अच्छा लगता अगर अखिलेश यादव जी या डिंपल यादव जी आगे से आकर कहते हाँ ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, मोइन खान हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, और ये नालायक और ये दुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों की समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। परंतु मैं देख क्या रही हूँ, सन्नाटा प्रवक्ता टीवी पर। अनिल जी आप लोग तो फिर डीएनए पर सवाल उठाने लगते हैं ना, तो इसलिए वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं तो डीएनए तो बदलाव आया ही है ना, समाजवाद का डीएनए ये तो नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी ने ये तो नहीं कहा था कि बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करिए, परंतु क्या किया जाए। 2017 में अगर मैं बलात्कार के केसेस की बात करती हूं, 4,500 के करीब दर्ज हुए थे इनकी सत्ता खत्म होते होते। 2020 की अगर मैं बात करती हूं या अभी हाल फिलहाल की भी बात करती हूं, 70% डिक्लाइन है, पर फिर भी दिखते हैं। और ज्यादातर दिखने वाले कौन लोग हैं, उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, मैं क्या बोलूं, आप भी समझ रहे हैं। सुचित जी इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्योंकि ये जो आरोपी है, मैं आरोपी ही कह रहा हूं, ये जो आरोपी है वो मंच पर दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं, पीछे में राहुल गांधी की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है वहां पर, ऐसे ऐरे गहरे किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है, सभी की पहचान होती है, उसे वहां पर जाने दिया जाता है। ऐसे में ये व्यक्ति अगर मंच पर मौजूद है तो इसकी अहमियत हम समझ सकते हैं, और ये अगर आरोपियों के घेरे में है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए महिलाओं हो या बच्चियां हो या आधी आबादी को लेकर ऐसा रवैया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार की घटनाएं किसी दलगत राजनीति, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस या इसको क्या इस तरह से मतलब कर लेना, मुझे लगता है कि ये मतलब राजनीतिक चर्चा से ज्यादा ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। और जिस तरह प्रतिदिन हम आपके चैनल पर, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, चाहे कन्नौज की घटना हो, चाहे गाजीपुर की घटना हो, तो जिस प्रकार की असंवेदनशीलता और शून्यता पैदा हो गई है, तो ये सभी दलों के लिए और स्पेशली हम महिला प्रवक्ताओं के लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। हम सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि कठोरतम कार्यवाही हो, और हम राजनीतिक दलों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो मैटर चाहे प्रज्वल रमन्ना का हो, हाथरस का हो, कठुआ का हो, बीएचयू में जो अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो आईटी सेल वाले बंदे थे उनका हो, या फिर और जो भी घटनाएं, सेंगर का हो, चिन्मयानंद का हो, अंकित परिहार का हो,
नैतिकता के आधार पर, चाहे आप इसको इलीगल कहिए, मॉरल कहिए, हर लिहाज से ये निहायत ही असंवेदनशील घटनाएं हैं। प्रतिदिन इनको, या सिर्फ कभी माजिद खान को लेकर, कभी जो आपने अभी नवाब से नाम लिया या और तमाम नाम, मैंने इसलिए प्रज्वल रमन्ना या सभी नाम लिए, तो मैं इसे, मैं कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि कठोरतम कार्यवाही ऐसी जघन्य घटनाओं के प्रति होनी चाहिए। अभी वो घटना जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बेटी के साथ भी एक अप्रिय घटना हुई पिस्टल सटाकर, तो और छोटी बच्चियों के साथ लगातार, ये बड़े नृशंस घटनाएं हैं, ये समाज का बड़ा विद्रूप और बड़ा विभत्स चेहरा है। तो हम इसको डिफेंड करने के आधार पर इस विषय के साथ हम बड़ी शून्यता का अनुभव करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से अपेक्षा करती हूँ कि इस पर कठोरतम कार्यवाही हो और ये जिम्मेदारी लेने का विषय है। ठीक है मनोज जी, दरअसल चर्चा इस बात पर ज्यादा हो रही है कि भाई ये व्यक्ति कौन है, इसकी, इस व्यक्ति की पहचान क्या है, बशर्ते इस पर चर्चा थोड़ी कम हो रही है कि भाई इसने क्या घिनौनी हरकत की है। और सुची जी भी कह रहे हैं भाई ऐसे लोगों को डिफेंड करना जो है वो गलत है। वाकई में आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं जब किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े किसी कार्यकर्ता नेता करीबियों के साथ सामने आती है तो बहुत सारे दल, मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, वो डिफेंड करने आ जाते हैं, डीएनए टेस्ट की मांग करने लगते हैं, ये सही है क्या? नहीं कुंदन जी, देखिए दरअसल बलात्कार जैसी घटना घिनौनी हरकत पर जब हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं तो उसके पीछे आरोपी का आगे पीछे चर्चा होती होनी भी चाहिए। अभी अयोध्या से और देश प्रसाद के मंच की फोटो से हम उभरे नहीं थे कि घटना कन्नौज की आपके सामने है, लेकिन जब किनारा कसी और दूर जाने की बात आती है तो इस पर विचार क्यों नहीं करते कि चाहे प्रदेश हो चाहे देश को, इसकी जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मंचों पे राजनीतिक रैलियों पे जाना इतना आसान नहीं होता है। हमने आपने हजारों रैलियां कवर की होंगी लेकिन पत्रकार मीडिया से छोड़िए बाकी आम लोगों से अच्छी खासी दूरी बना के रखी जाती है, तो मंच पे बिल्कुल वन टू वन नेताओं के पास, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे वो अखिलेश जी हो, अगर उनके बगल वो व्यक्ति मौजूदगी से खड़ा और उसका अगर बैकग्राउंड देखे तो बैकग्राउंड वो महाविद्यालय में चलाता है और उसका उद्घाटन कौन करता है, तो इसका देखिए बलात्कार जैसी घटना इस तरीके से कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये जरूर डिपेंड करता है, ये जरूर उस बेस पर आधार होता है कि करने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी पहुंच पकड़ क्या है, क्योंकि इसके बाद वाले पर शोर सिफारिश की बातचीत चर्चाएं होती है और अगर आप कहीं किसी से जुड़े हुए हैं तो उसका अगर मीठा मीठा आपको मिलता है तो तीखा तीखा भी स्वीकारने की आदत होनी चाहिए। लेकिन एक नया चलन बन गया विगत 15-20 वर्षों हम लोग देखते हैं कि पार्टियां अपने संबंधित कार्यकर्ताओं नेताओं और लोगों के साथ में अगर उनका जुड़ाव हो तो वो तय करती इससे फायदा होने वाला नुकसान होने वाला है उसके बाद फिर बातें करती, चूंकि ये घटना बहुत घिनौनी है। कानून अपना काम करेगा, जांच होगी, बहुत सारे प्रोविजन होते हैं, लेकिन जब हम कभी बलात्कार वो भी जैसी घटना भी चर्चा करते हैं तो लगता है 21वीं सदी में हम कहां से कहां पहुंच गए और ये उत्तर प्रदेश का भी उपचुनाव सामने आने वाला है। मैंने इसीलिए जिक्र किया कि अयोध्या के मंचों की फोटो अभी का विराम लगा नहीं था कि हमको कन्नौज में ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तारिक साहब से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, मनोज जी साफ तौर पर कह रहे हैं तारिक साहब कि भाई मीठा मीठा यानी कि वोट हासिल करना था, समर्थन लेना था, तो अब वो हम आपके बहुत करीबी हो गए, वोट आपने हासिल कर लिया, लेकिन जब वो कोई घिनौनी अपराध में शामिल है तो आप उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, ये क्या सही है? लारी साहब जल्दी से, पहली बात ये बताइए, लोग उसके बचाव में उतरे हुए? बिल्कुल नहीं उतरे हुए, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसको फांसी पे लटकाने की मांग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये करिए ना, इसमें कोई लोकार कर रहा है क्या? अयोध्या के केस में माननीय अखिलेश जी ने, भैया जी ने कही है, कहा कि बिल्कुल नहीं, इसके साथ बिल्कुल आप वो करिए, इसको छोड़ दीजिए, ऐसी बातें ना करिए। पचकानी बुलडोजर चलाना बुलडोजर चलाइए, लेकिन जब काकी वाले केस में जो तीनों लड़के पकड़े गए थे आईटी सेल वाले, आज तक उनको पार्टी से निकाला गया? नहीं निकाला गया, दर्जनों लड़की के साथ अपराध कर दिया उन्होंने, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। तो ये सब बताइए आप, ये भी बताने की कोशिश करिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि समाजवादी ने, आप कह रहे पल्ला डाला तो बहुत अच्छा है ना पल्ला डाला, आगे तो बहुत अच्छा, हम उसको कह तो नहीं रहे, हम उसके बचाव में तो नहीं खड़े है ना, ठीक है, हम उसका बचाव में नहीं खड़े हैं। आप लोग तो बचाव में लग जाते हैं, जहाँ आप लोग कह चड्डी गांड का किसी का मेंबर का आता है, कोई बाबा बलात्कार कर देता है तो उसके बचाव में आप लोग आ जाते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो हिंदू के रक्षा कर रहा था इसलिए इसको झूठा इल्जाम लगाया गया। हम तो ये बात कह नहीं रहे, हम तो कह रहे वो हमारे बच्चा नहीं चाहिए, पार्टी ने निकाला जा सकता है तो निकाला जा सकता है, जो मर्जी है ये करिए। क्या कानून में कही है प्रावधान है कि अगर कोई आदमी पार्टी का मेंबर होगा तो उसका बचाव किया जाएगा?
ठीक है अनिला जी जवाब दीजिए। अनिला जी साफ तौर पर तारिक लारी साहब कह रहे हैं कि भाई हम कोई बचाव नहीं करें, कोई डिफेंड नहीं करें। वो तो कह रहे हैं कि भाई कानून में अगर प्रावधान है तो फांसी पर लटका दीजिए, हम कहीं डिफेंड नहीं कर रहे हैं। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए समाजवादी पार्टी को, इनका नेता जो है ना नीची पैंट किए हुए पकड़ा गया है, पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। उसके बावजूद इस प्रकार की बातें करना ये केवल और केवल ढीठता दिखा देता है। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी बिल्कुल किसी का साइड नहीं लेते हैं। भैया कोई रिएक्शन दिखाया क्या? कोई रिएक्शन दिखाया क्या? उस बच्ची से मिलने पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे ना। अपने अयोध्या उस बच्ची से मिलने पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे ना। अभी कलकत्ता में डॉक्टर के साथ गए क्या? नहीं गए क्या? हाँ सीधी सी बात है, राज है बाबा के राज में बीजेपी सपा कांग्रेस नहीं देखते हैं अपराधी, मतलब अपराधी को आपको डिफेंड करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अनिल जल्दी से खत्म कीजिएगा अपनी बात। जी बिल्कुल, जैसे गुंडागर्दी इनकी मानसिकता है इनकी पार्टी की, वो ये यहाँ पे चैनल पे भी करना चाह रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर सीधी सी एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इनको थोड़ी भी इनके अंदर भावना होती है अखिलेश जी के अंदर या डिम्पल जी के अंदर, तो इसके ऊपर रिएक्शन दिखाते, क्योंकि रंगे हाथ इनका नेता पकड़ा गया है। वो नेता जो डिंपल जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो नेता जो अखिलेश जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो नेता जो कि राहुल जी और अखिलेश जी के मंच पर साझा होता हुआ दिखाई देता है, रंगे हाथ पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, पतलून नीची पुलिस ने पकड़ा, उसके बावजूद यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप और बुलडोजर की बातें करते हैं आप। बुलडोजर किस पे चलता है? जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पर क्या किया जाए? सबसे ज्यादा इलीगल काम करने वाले कौन? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दो। तो आपको बुलडोजर आंखों में खटकता है, ये बाबा है साहब। ठीक है लारी साहब, क्यों हंसी आ रही है? जल्दी से एक एक करके जल्दी से। हंसी आ रही है कि क्या इस देश में सिर्फ मुसलमानों का घर इलीगल होता है? क्या हिंदुओं का घर इलीगल नहीं है? आइए तारिक अहमद लारी आपको दिखाता है कि कितने अधिकारियों ने जो गोमती नगर में घर बना रखे, आईएएस अधिकारी नेताओं के बीजेपी के उनके घर 99.99% इंडिकल है। नक्शा इतना सा पास है, बनाया इतना सा गया है। बातें ऐसी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ मुसलमान का घर इंडिकल होता है? आज कुछ तो आज हुआ और कल आ गया कि हमने साहब एक महीना पहले नोटिस दे दिया था, बुलडोजर लेकर पहुंच गए। क्या बातें करते हैं यहाँ पर? यह जो अभी आप लोग नया वो बना रहे हैं, यहाँ अकबर को पूरा उजाड़ दिया। और जैसे ही बात लारी साहब आप ये कह रहे हैं बुलडोजर सिर्फ क्या मुसलमानों के घरों पर चलता है, लारी साहब आप ये कह रहे हैं, मनोज जी जल्दी से इस पर जवाब मैं आपसे लेना चाहता हूँ। क्या वाकई बुलडोजर सिर्फ मुस्लिमों पर चला है उत्तर प्रदेश में? नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। मैं चाह रहा था कि इस घटना पे संवेदनशीलता दिखाते हुए बात की जाएगी, लेकिन अगर बुलडोजर का डर भी बलात्कार को लोगों को करने से नहीं रोक पा रहा तो बड़ा दुर्भाग्य है। उसको किसी के घर के किसी के नक्शे से जोड़ना उचित नहीं है। मैं फिर मुद्दे पे आकर के बात करना चाहूंगा, बलात्कार जैसी घटना करने वाले अपराधी या आरोपी उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है? क्योंकि संरक्षण जिनको मिलने का आश्वासन होता है या भरोसा होता है, वही इस तरीके के दुर्दांत घटना करते हैं। मैं इसको उस बुलडोजर की बात अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है बुलडोजर की घटना डर की घटना है कि भविष्य में आप किसी आपराधिक घटना में इन्वॉल्व नहीं हो, चाहे वो हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे लूट कांड हो, चाहे बम कांड हो या कुछ और भी हो। तो दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। मैं फिर रिपीट करके आ रहा हूं, चाहे उन्नाव हो, कानपुर, सोनभद्र हो, मिर्जापुर हो, या ताजा तरीन आपका अयोध्या हो, या आज की घटना हम बात कर लें कन्नौज की, अगर इसके पीछे राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक सच्चण है तो वो नुकसान दे बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी घटनाओं के पीछे राजनीतिक कनेक्शन कहीं से भी किसी तौर पर भी सामने आता है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कन्नौज की घटना को लेकर के सवालों के घेरे में, हालांकि समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राहुल गांधी के साथ जो आरोपी की तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कहती हैं और इस पर बीजेपी बेहद हमलावर है पूरे विपक्ष